नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि आपको अगर नॉर्मल फीवर है या कोरोना वाला जो फीवर चल रहा है उसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको कोरोना है या फिर जनरल फीवर की हुआ। दोस्तों मौसम बदल रहा है, 10-15 दिन से मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल जनरल फीवर वाले बहुत ज़्यादा पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको हम डिफ्रेंशिएट करने में भी दिक्कत होती है कि कोरोना के लक्षण वाले सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर नॉर्मली जनरल फीवर के। दोस्तों मैं जिन पेशेंटों को दवाइयां दे रहा हूं उनको मैं देख रहा हूं कि अगर 2 या 3 दिन में उनको बुखार उतर जाता है दवाई देने से तो वो जनरली नॉर्मली होता है। अगर जिनको बुखार नहीं उतरता है और बुखार उतर जाना के बाद भी अगर उतर भी जाता तो उसके बाद उनको सांस फूलने की बीमारी, पेट में दिक्कत काफ़ ज़्यादा बन रहा है, तो दोस्तों ऐसे पेशेंटों को मेरे ख्याल से शायद कोरोना का ही सिम्टम्स होते हैं, इसलिए वो अपना CSC या BSC या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर के अपनी जांच जरूर करवाएं। क्योंकि दोस्तों ऐसे जो पेशेंट होते हैं जिनको हम लोग पता नहीं लगा पाते कि उनको प्रॉब्लम क्या है, किस कारण उनको फीवर आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत क्यों हो रही है। दोस्तों जो नॉर्मली पेशेंट होते हैं हम उनको मेडिसिन 2 या 3 दिन की दे करके उनको सही कर लेते हैं, परंतु उसमें ऐसे कई पेशेंट को निकल आते हैं जिनको 2 या 3 दिन में पेशेंट ठीक नहीं हो पाते, जिनको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपनी जांच जरूर कराएं। क्योंकि दोस्तों मैं अपने क्लिनिक पर पूरा चैम्बर को बंद करके ऐसे पेशेंटों को देखता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज का जो कोरोना है बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और उसमें आपको गाइडलाइंस का फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जो गाइडलाइंस है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज करना है, ये तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आप ये सब नहीं करें तो आपको कहीं ना कहीं से आपके शरीर में इन्फेक्शन या वायरस पहुंच जाएगा और आपको वो दिक्कत करेगा। दोस्तों हाल ही में मैंने 2-3 दिन पहले ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको गले में खराश ज़्यादा हो रही है, ऐसे बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब गले में चुभन सी होती है, फीवर आ रहा है और जुकाम है, मतलब ये तो नॉर्मल से सिम्टम्स होगा, उसको जो मैंने दवाई दी उससे वो बिल्कुल रिकवर हो गए। या फिर दोस्तों अगर जिन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो घर बैठे अपने पैरासीटामॉल 650 वाला या 500 mg वाला आप दिन में 3 बार खा सकते हैं। अगर 2 से 3 दिन में आपका फीवर बिल्कुल सही हो जाता है तो आपको नॉर्मली जनरली फीवर था। अगर आपका 2 से 3 दिन में फीवर नहीं ठीक होता और आपको प्रॉब्लम होने लगती है कि आपको सांस लेने में दिक्कत है, चेस्ट हैवीनेस हो जाता, पेट दर्द, क्योंकि दोस्तों ये सब बहुत ही दिक्कत वाले सिम्टम्स होते हैं, इसके लिए आपको जांच करानी पड़ेगी और जांच जरूरी है क्योंकि पता लगना चाहिए कि ये कोरोना के सिम्टम्स हैं या फिर आपको जनरल है। दोस्तों ये जो दवाइयां चल रही हैं मार्केट में, आर्सेनिक, एल्बम, कैंप, ये सब चीज़ें आप अपना उन सब चीज़ों का गाइडलाइन का फॉलो करें और मेडिसिन का भी जो नॉर्मली होती है वो आप ले सकते हैं। ख़ास तौर से उनके लिए मेरी आज ये सलाह है जिन लोगों को ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिनको कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं और जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो अपना इलाज किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जा करके अपनी जांच करा के ही तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट लें, अन्यथा उनका ऑक्सीजन लेवल शरीर में कम होने लगता है और उनको बाद में दिक्कत आने लगती है। दोस्तों नॉर्मल फीवर और कोरोना के फीवर में यही अंतर होता है, इसलिए आप सचेत रहिए और सतर्क रहिए। आशा करता हूँ आपको दोस्तों आज का वीडियो ये समझ में आ गया हो, अगर समझ में आ गया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं जिससे मेरे नए वीडियो आप तक पहुँचते रहे। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल डिसीज से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे होम।